Hello student, we are discussing about the reactions of alkene, and the next reaction is hydroboration or oxidation of alkene. अब यहाँ पे मैंने एक एक ही एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ इसमें दो है, तो आपको एडिशनल एग्जाम्पल्स बुक से रेफर करने हैं और यूजेस ऑफ अल्किन भी पार्ट में अब पढ़ाने वाली नहीं हूँ, यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने वाली, बहुत इजी पार्ट है, आप बुक से अगर रीडिंग कर लेते तो समझ में आ जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे अल्किन की, हाइड्रोबोरेशन, और ये क्या है, एंटी मोनोटोनिक ऑफ एडिशन है, इसलिए मैंने अनसिमेट्रिकल अल्किन जिसे कि हम प्रोपीन कहेंगे, प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है और बुक में इथिन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो आप रेफर कर लेना क्योंकि सिमेट्रिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. एंटी मोनोटोनिक ऑफ एडिशन हमें कब पता चलेगा, अगर वो अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि प्रोपीन में दिख रहा है ये अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड वन कार्बन है और यहाँ पे टू कार्बन है, अनसिमेट्रिकल. जब ये प्रोपीन डायबोरेन से रिएक्ट होता है, दिस इज डायबोरेन, तो इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंटी मोनोटोनिक ऑफ एडिशन होता है. एंटी मोनोटोनिक ऑफ एडिशन यानी ये जो रिएजेंट है इसका जो निगेटिव पार्ट है वो कहा जाएगा, विच कंटेनिंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. मोनोटोनिक ऑफ एडिशन में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ डबल बॉन्ड. तो ये जो निगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट कहा जाएगा जहां पे ज्यादा कार्बन है वहां पे जाए अटैच होगा, यानी यहां पे जाएगा, इससे ये यहां पे अटैच हो गया बाय थ्री, ये सिक्स रखते हैं मॉलिक्यूल्स और ये यहाँ पे ट्वाइस हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह रिएक्शन होके ट्राई एंड प्रोपाइन बोरेन तैयार होता है, विच ऑन फर्दर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 है हाइड्रोजन परऑक्साइड और वो भी अल्कलाइन होना चाहिए. तो कैसे होगी रिएक्शन, ये वैसे की वैसे है, वहां पे OH, ये जो OH है ये OH यहाँ पे अटैच होगा तो प्रोपेन वन और मिलता है और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे BOH/3 मिलता है. ओके, तो यहाँ पे हमने अनसिमेट्रिकल अल्किन दिया हुआ है, बुक में सिमेट्रिकल दिया है तो सिमेट्रिकल में भी इसी तरह रिएक्शन होगी, अगर इथिन लेंगे तो हम यहाँ पे एक CH2 कम रहेगा, बस इतना ही फर्क, यानी प्रोपेन वन और की जगह क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, बस इतना ही फर्क है, तो आपको एडिशनल एग्जाम्पल बुक से देख लेना. देन पॉलीमराइजेशन, हमें नाम से पता चलता है पॉली मीन्स मिनिमराइजेशन, ये ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे मेनी मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट टूगेदर. So what is the definition? The process in which large number of small molecule, जिसे कि हम मोनोमर भी कहते हैं, the large number of monomer joined together to form a large molecule called polymerization. तो यहाँ पे एक सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल है इथिन का, ये मोनोमर है, ये एन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मॉलिक्यूल से कभी भी पॉलीमर नहीं बनता, बहुत सारे पॉलीमर के लिए बहुत सारे मोनोमर चाहिए और ये यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से चेन फॉर्म होगी, इसलिए हमने लिखा है बाय एन ब्रैकेट के बाहर, और ये है पॉलीथीन, इथिन से क्या मिलेगा पॉलीथीन, ये पॉलीमर है ये मोनोमर है, बहुत सिंपल रिएक्शन है. देन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, यहाँ पे ग्लाइकोल फॉर्मेशन होता है जहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे है, तो डायोल जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, बुक से रेफर कर लेना, सेम है, सेम पैटर्न है मैकेनिज्म का. इथिन के साथ अगर इस तरह अल्कलाइन ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है, इसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्शन होता है और ए एक OH और ये दूसरा OH यहाँ पे अटैच होता है, तो क्या मिलेगा इथेन 1,2 डायोल. देखिए ये इथीन है, डबल बॉन्ड है इसलिए, हाँ टू कार्बन है और ये क्या है इथेन, कंप्लीट टर्म लिखा है 1,2 डायोल. ऐसा क्यों किया है हमने, नॉमेनक्लेचर में देखा है अल्केन का पूरा नाम कब आता है, जब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं दो, तो अल्केन का पूरा नाम हम लिखते हैं, यहाँ पे दो कार्बन है इसलिए इथेन पूरा नाम आया 1,2-diol. ऐसे ही प्रोपीन का आपको लिखना है तो वहां पे प्रोपेन 1,2-diol आएगा आंसर. देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. अब बुक में ये बैलेंसिंग फैक्टर नहीं दिया है ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत न जाए. तो यहाँ पे प्रोफनी या इसे प्रोपीन भी कहते हैं, इन ऑक्सीडेशन ऑन ऑक्सीडेशन विद केमनोफोर गिव्स रिएक्शन लाइक दिस, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही, CH3 ये CH2 अलग हो गया है, साइड प्रोडक्ट में इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है, ये जो पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बाकी बचा हुआ CH3 CO डबल बॉन्ड OH यानी COOH वहां पे आ रहा है, इसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं. क्यों, दो कार्बन आइटम है
और सी डबल एच फंक्शन ग्रुप है इथेनिक एसिड और एसिटिक एसिड। CH3 सी डबल एच यानी क्या होता है, एसिटिक एसिड और इथेनिक एसिड। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे भी वैसी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप की हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक होगा CH3 और O, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, दो तीन में से एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, बचे दो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ये दो कार्बन के साथ ये बचे हुए दो ऑक्सीजन जाएगी, जो CH3 वैसे कैसे है सी डबल बॉन्ड O और AOH, ये है इथेनॉल एसिड। अब देखिए ये जो कंपाउंड है हमने पहले भी इसके पहले पढ़ा है, इसके चार नाम है, ये चारों नाम आपको पता चाहिए क्योंकि किसी भी नाम से आपको एग्जांपल और रिएक्शन पूछ सकते हैं। क्या क्या नाम है इसके, प्रोपेन टू ऑन है ना, प्रोपेन टू ऑन कहते हैं या प्रोपेनोन कहते हैं या डायमिथाइल कीटोन कहते हैं या एसिटोन कहते हैं। इन दिस मैनर द रिएक्शन पार्ट ऑफ अल्किन इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और यूजेस ऑफ अल्किन आपको खुद पढ़ लेना है, बुक से बहुत इजी है और आप कर सकते हो।